नमस्कार दोस्तों, वायरल वायरस में आपका फिर से स्वागत है और मेरा नाम है राजेश वर्मा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन वीडियो एडिटर के बारे में। तो मैं आपको इसके बारे में आज बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और इसे हम कैसे अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। मैं आज आपको इसे सिंपल एक छोटा सा वीडियो एडिट करके बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और इसमें कितने सारे इफेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम है सोनी वेगस प्रो। तो यहाँ पर जो वेगस का प्रो वर्जन है मेरे पास है 64 बिट में चलता है ये, और यहाँ पर जो मेरे पास उसका वर्जन है 14.0, तो ये बेटर है, अभी लेटेस्ट वर्जन है। इसलिए मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें हम क्या क्या एक्स्ट्रा फंक्शन देखेंगे 13.0 के अलावा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वेगस प्रो में, मैं और आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर सोनी वेगस प्रो पे। मेरे पास यहाँ पर जो प्रो का वर्जन है इसमें मेरे पास यहाँ पर चार मीडियाज रखे हुए हैं। इसको आप ड्रैग करके कुछ भी, अगर फोटो आप कराओगे, अगर वीडियो लाना हो तो यहाँ से आप ड्रैग करके ला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये ड्रैग करके मैंने यहाँ पर ला लिया। इसके बाद फिर हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो फ्रेम है यहाँ पर इसको छोटा कर सकते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर एक जो डिस्प्ले देख रहे हैं ये अभी मोबाइल डिस्प्ले के ऊपर है, क्योंकि मैंने इसमें अभी मोबाइल का एक वीडियो जो है वो एडिट करना करके रखा था, इसलिए वीडियो ऐसा है। अब इसको अगर आपने ये करना हो लैंडस्केप में, या फिर आप चाहते हैं कि आप इसको 720 पिक्सल में या फिर 1080 पिक्सल में अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं और एडिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास वीडियो भी वैसा होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास एक वीडियो है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक ऑडियो को आप अलग से इसमें अटैच कर सकते हैं और जो ऑडियो इसमें पहले से है उसको हम यहाँ से डी अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो एडिट करके बताऊंगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके पास फाइल है, फाइल में आपके पास न्यू, जैसा कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। यहाँ पर आपके पास है ओपन का, क्लोज का, सेव, सेव एज, रेंडर। तो सेव एज और सेव में यहाँ पर आएगा आपके पास जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं सिर्फ वही फाइल आपका यहाँ पर सेव में क्लिक हो जाएगा। रेंडर अस में यहाँ पर आपके पास आएगा अगर रेंडर करते हैं किसी भी चीज को। रेंडर का मींस होगा यहाँ पर आप अगर वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करना होगा जहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीट वीडियो एडिट हो गया आपके पास रहे, MP3, MP4 में जहां पर भी आप रखना चाहते हैं वहां तक के लिए। उसके बाद फिर आप यहां पर फाइल में जाके यहां पर रेंडर एस कर सकते हैं। रेंडर एस करने के बाद आपके पास बहुत सारे फाइल्स आएंगे और बहुत सारे यहां पर फॉर्मेट आएंगे जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहां पर शो फेवरेट ओनली, मतलब इसमें मुझे अगर सेव करना है 1920x1080, तो ये जो पिक्सल होता है ये हाई क्वालिटी में होता है, इसमें जो रेजोल्यूशन रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। तो आपकी अगर हाई क्वालिटी वीडियोस है तो उसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप हाई क्वालिटी वीडियो में यहां पर इसको सेव करें। उसके बाद अगर मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस और हैं जिसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे MP3 में अगर करना हो तो MP3 में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑडियो के ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर वीडियो का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ज़्यादातर यूज़ करना चाहेंगे AVI, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसके देख सकते हैं कितने पिक्सल्स में यहाँ पर अवेलेबल है उसके फॉर्मेट्स। यहाँ पर आपके पास WAV है जो आपको विंडो मीडिया प्लेयर में चलाने के लिए ज़्यादा बेटर होता है। आप इसको किसी भी CD प्लेयर में भी चला सकते हैं तो ये भी बेटर है आपके लिए। यहाँ पर इसका बीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका हर्ट्ज जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद ही आप अपने वीडियो का जो रेजोल्यूशन है उसको चूज कीजिएगा कि कितना आपको करना है वो। अगर आप जितना बड़ा वीडियो बनाते हैं उतना ही ज़्यादा MB का बनेगा या फिर GB का बनेगा, और जितना ही आप अगर छोटा फाइल को छोटा करते हैं या फिर सेव करते हैं तो उतना ही वो छोटा बनेगा। तो मैं इसके बारे में बताऊँगा एक वीडियो सेव करके, जैसा कि मैं
बता देता हूँ पहले इसके फंक्शंस के बारे में। तो हमारे पास फाइल में, इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जहाँ पर आप वेगस के फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो इसमें फाइल बना होता है। उसके बाद कैप्चर वीडियो, अगर आप किसी अन्य दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं अपने करते हैं अपने वीडियो को कैप्चर करने के लिए, मतलब अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर लैपटॉप में वेब कैम का यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको कैप्चर वीडियो का एक ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहां से आप क्लिक करके उसका यूज कर सकते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑडियो फॉर्म सीडी, ये तो सीडी बनाने के लिए, इसको छोड़ सकते हैं। शेयर ऑनलाइन छोड़ दीजिए। वेगास का ये जो ओपन होता है प्रॉपर्टी, वही है। अब प्रॉपर्टी में हम क्लिक करके यहां पर इसका जो फॉर्मेट है वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए होता है। पिक्सल फॉर्मेट यहां पर 8 बीट के लिए चाहिए, 32 बीट के लिए चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसका रेजोल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, बेटर, गुड, बेस्ट, प्रीव्यू, ड्राफ्ट, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोशन ब्लर के लिए गैसनेस है, यहाँ पर बॉक्स है, पिरामिड है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपका मोशन ब्लर कितना टाइप रहेगा, कैसा टाइप रहेगा, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विड्थ के लिए, हाइट के लिए दिया हुआ है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो को। आपका वीडियो जैसा है उसके हिसाब से आप इसका विड्थ और हाइट अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑडियो में भी है यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीच इसका बढ़ा सकते हैं, हार्ट्स इसका जितना क्वालिटी आप अच्छा चाहते हैं उतना ज़्यादा आप इसको हार्ट्स बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए वो ज़्यादातर काम में नहीं आते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर एडिट में है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका वीडियो बनाते समय ही आप यूज़ करेंगे। इसके पहले मैं आपको इसके बारे में उतनी पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा और उतना आपको समझा भी नहीं पाऊँगा जितना आप अच्छे से समझ पाएंगे वीडियो एडिटिंग करते के समय। तो मैं आज आपको सिर्फ सिंपल एक वीडियो एडिट करके बताऊँगा, छोटा सा, जहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं व्यू में। तो व्यू में आपके पास यहाँ पर टूल बार के लिए ऑप्शन जितने होते हैं आप यहाँ पर उसको अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, जहाँ पर आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो ट्रैक के लिए इंसर्ट करते हैं, ट्रैक ये होता है जहाँ पर आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये ट्रैक होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑडियो ट्रैक है, ये वीडियो ट्रैक है, तो आप अगर ऑडियो कुछ और डालना चाहते हैं वीडियो के साथ, तो यहाँ पर आप एक ऑडियो ट्रैक ले लीजिएगा और वहाँ से कॉपी करके, सॉरी, यहाँ से ड्रैग करके आप इसको ऑडियो में अटैच कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट के लिए, और इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जो वीडियो, जैसे मैंने पहले बताया था कि वीडियो एडिट करने के समय ही आपको ये यूज़ होगा। टूल में आपके पास यहाँ पर ऑडियो वीडियो का जो टूल दिया हुआ है, जो प्रॉपर्टी में हमने देखा था, वही टूल यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आप इफेक्ट डाल सकते हैं अपने वीडियोस पे। यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शंस, तो यहाँ पर ऑप्शंस में भी आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर ये राइट है जहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं अपने टूल्स के लिए। और इसके अलावा आपके पास हेल्प, जो सभी सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होते हैं। चलिए सबसे पहले हम वीडियो पे चलते हैं, एक वीडियो में आपको बताता हूँ इसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक रख लेता हूँ। सबसे पहले हम इसको चला के देखेंगे, और इसका ऑडियो जो है वो मैं कम कर देता हूँ, तो क्योंकि मेरे पास एक माइक है जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी में मेरा साउंड को रिकॉर्ड करता है, तो ये काफ़ी दूर तक कैच कर सकता है, इसलिए मैं इसका जो ऑडियो है उसको कम कर देता हूँ और आप मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक वीडियो है जिसमें साउंड भी है। अब इसके साउंड को हमको अगर हटाना है यहाँ से, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रुप का जो ऑप्शन होता है, ग्रुप के ऑप्शन में जाके इसको रिमूव फ्रॉम करके पहले क्लिक करेंगे। रिमूव फ्रॉम करने के बाद इसको ऑडियो को सिर्फ क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर से डिलीट कर सकते हैं, तो ये जो ऑडियो है वो यहाँ से हट जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और ऑडियो डालना चाहते हैं इस वीडियो के साथ, तो आप यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए। अब सेकंड ऑप्शन, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास कट के लिए, कॉपी के लिए, डिलीट के लिए, ट्रिम के लिए, ट्रिम एंड के लिए, स्प्लिट के लिए, स्प्लिट आपको वीडियो को अलग अलग करना हो तो वहाँ पर कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रिम करना हो तो ट्रिम में कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रिम स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रिम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ट्रिम एंड कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑडियो जो वीडियो है वो कट जाता है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपको चाहिए होता है। ये सिंपल एक मेथड है यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए, आपके बेसिक सी चीज़ें इसमें होती है, और इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कोई यूज़ करते हैं अपने
घर पे वीडियो एडिटिंग के लिए तो आप प्रोफेशनल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ आपको इसमें जो क्वालिटी मिलेगी आपको वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर मेरे पास जो एक ऑडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी रिमूव करने के लिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं पहले ग्रुप से, ये हो चुका है। इसके बाद फिर हम इसको ऑडियो डिलीट कर चुके हैं। डिलीट करने के बाद आपने देखा होगा कई सारे फिल्मों में या फिर कई सारे वीडियो में देखा होगा जहाँ पर वीडियो जो है आपका वो एक कोने में होता है और जो आपका बाकी का वीडियो होता है जो फ्रेम में रहता है, कंप्लीट फ्रेम में वो रहता है। तो इसमें हम उसको लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो को मैं ड्रैग करके यहाँ पर सेकेंड जो पोजीशन है वहाँ पर ला लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर दो वीडियोज़ हैं, इसका जो ऑडियो का ट्रैक है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले डिलीट ट्रैक ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें ऑडियो नहीं है और एक वीडियो है जिसमें हमारे पास ऑडियो है। तो यहाँ पर दो तरीके के वीडियो हैं हमारे पास। अगर इसमें मैं एक एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो वीडियो है इसका हमको फोकस कंप्लीट रखना होगा और जो सेकेंड वीडियो जो हमारे पास कंप्लीट फ्रेम में है उसका जो फोकस है वो हमको कोने में अगर रखना हो किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले अब इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके पास जो वीडियो इवेंट और पैन क्रॉप का दिया है इसको आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना होता है। अगर आप ये एरो का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या होगा सिर्फ इस तरफ और इस तरफ ही इसको ड्रैग कर पाएंगे, बाकी जगह पे नहीं कर पाएंगे। अगर सेकंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो आपको सिर्फ ऊपर और नीचे की ओर यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका सेंट्रल यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में आप अपने वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपके पास जो फोकस का ऑप्शन होता है यहाँ पर एफ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फोकस। तो फोकस में हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं, जितना आप बड़ा करना चाहें, जितना आप कॉर्नर पे रखना चाहें अपने फर्स्ट वीडियो को वहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको छोटा कर सकते हैं और जितना छोटा इसको करना चाहें वहाँ पर ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको प्ले कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम सेव करने के बाद इसको क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करने के बाद हम इसको चला के देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप जो मेरा वीडियो था दोनों वीडियो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आपका कॉर्नर राइट पे है और जो मेन वीडियो है वो आपके पास यहाँ पर मॉनिटर पे है। इसके अलावा अगर आपको इफेक्ट डालना हो कुछ वीडियो में तो वहाँ पर आपको ग्रीन चैनल का यूज़ करना होता है। मैं ग्रीन चैनल के बारे में आपको बाद में बताऊँगा दूसरे वीडियोज़ पे। ये सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं और मेरी काफ़ी सारी ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इफेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इफेक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल के पीछे जो इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है, ये आपको बेसिक सी चीज़ें, बहुत ही छोटी सी चीज़ है वो, आप इसके बैकग्राउंड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।